एंट्रल गैस्ट्राइटिस से परेशान है, आंतें कमजोर हो गई हैं, आंतों में सूजन आ गई है, मल के साथ आव आ रही है, चिकनाई आती है, पेट में भारीपन रहता है हमेशा, पेट में अफारा बना रहता है हमेशा, मन चिड़चिड़ा होना चालू हो गया है, काम में मन नहीं लग रहा है, गर्दन में दर्द रहता है, साथ में सिर में भारीपन आ रहा है, मन जो है एक जगह पर टिकना नहीं चाहता, किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहता, अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम जो है ये पित्त की प्रॉब्लम है। अगर हम एंडोस्कोपी कराते हैं, एंडोस्कोपी में एंट्रल गैस्ट्राइटिस आया, एंट्रम ऑफ स्टमक पर इंफ्लेमेशन आया, ये आमाशय है, आमाशय में ये जो हिस्सा है ये एंट्रम है, इसमें इंफ्लेमेशन आया, ये जो हिस्सा है इसको कॉर्पोरल बोला जाता है बॉडी, तो इसमें इंफ्लेमेशन आया, या फिर ये फंडस है इसमें इंफ्लेमेशन आया तो फंडल गैस्ट्राइटिस हो गई, ये पूरी जगह पर ही इंफ्लेमेशन आया तो फिर पूरी को पैन बोलते हैं, तो पैन गैस्ट्राइटिस हो गई। इस गैस्ट्राइटिस के साथ में जरूरी नहीं है कि गैस्ट्राइटिस ही हुई, आमाशय में ही प्रॉब्लम है, कभी कभी ये प्रॉब्लम जो है ये आहार नाल में आ जाती है तो इसको बोला जाता है इसोफेजाइटिस, तो इसोफेजाइटिस भी आ गई कभी किसी के, या फिर यहां से ये आता है डियोडिनम तो डियोडिनाइटिस भी आ गई कभी किसी के। तो डियोडिनाइटिस, इसोफेजाइटिस और गैस्ट्राइटिस में अलग अलग, फंडल गैस्ट्राइटिस, कॉर्पोरल गैस्ट्राइटिस, एंट्रल गैस्ट्राइटिस या पूरे को मिलाकर के पेन गैस्ट्राइटिस, ये जो हुआ या डिफ्यूज गैस्ट्राइटिस, इसके साथ में गैस्ट्राइटिस तो है लेकिन ये कितने प्रकार की होती है गैस्ट्राइटिस, दो प्रकार की होती है। कौन से प्रकार की? एक तो होती है नॉन इरोजिव, नॉन इरोजिव का मतलब जिसमें इरोजंस नहीं है, और एक होती है इरोजिव गैस्ट्राइटिस। तो अगर नॉन इरोजिव गैस्ट्राइटिस है, नॉन इरोजिव मतलब इसमें अभी कहीं इरोजन नहीं आए हैं, केवल इंफ्लेमेशन है, गैस्ट्राइटिस का मतलब इंफ्लेमेशन तो है ही, इंफ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? सूजन, लालामी, दर्द, सूजन, लालामी, दर्द और साथ में गर्मी और साथ में कार्यक्षमता की कमी, ये पांचों चीजें पाई जाती हैं। तो ये पांचों तो हैं लेकिन इरोजन अगर नहीं है तो बोला जाएगा नॉन इरोजिव गैस्ट्राइटिस। अब नॉन इरोजिव गैस्ट्राइटिस भी या एंट्रल हिस्से पर भी हो सकती है, फंडल भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, या नॉन इरोजिव पेन गैस्ट्राइटिस भी हो सकती है। और अगर इसमें साथ में इरोजन आना चालू हो गए, ऐसे करके स्क्रेचेस, यहां से एंडोस्कोप डाला, कैमरे ने देखा कि सूजन तो है ही, लालामी तो है ही, लेकिन साथ में कुछ इरोजन है, कुछ स्क्रेचेज आए हुए हैं, तब फिर इसको बोला जाता है इरोजिव गैस्ट्राइटिस। अब इरोजिव गैस्ट्राइटिस भी एंट्रल इरोजन हो सकते हैं, यहां पर अगर इरोजन है तो एंट्रल इरोजन है, यहां पर कॉर्पोरल इरोजिव गैस्ट्राइटिस हो सकती है, फंडल इरोजिव गैस्ट्राइटिस हो सकती है, या फिर इरोजिव पेन गैस्ट्राइटिस भी हो सकती है, पूरे के पूरे ऐसे करके इरोजन आए हुए हैं पूरे स्टमक में, तो इसको इरोजिव पेन गैस्ट्राइटिस बोला जाएगा। अगर ये इरोजिव पेन गैस्ट्राइटिस हुआ है, इसका सीधा सीधा मतलब यह होता है कि आप अगर अपनी आंत को ऐसे करके, जैसे ये तो मुंह से ले लेते हैं, आंत को ऐसे पकड़, इसको पूरे को ऐसे करके खींच दिया, ऐसे करके खींचा, ऐसे करके खींचा लंबा, और लंबा खींच देंगे तो ऐसे करके यहां से चालू किया और यहां तक हमने एक ऐसे करके पूरा, ये तो मुंह वाला हिस्सा हो गया, इसको मुंह बोला, और ये जो है ये एनस हो गया। अब मुंह और एनस में आप देखेंगे कि मुंह से आहार नाल तक का हिस्सा जो है वो तो ये हो गया। अब ये आमाशय जो है ना ये थोड़ा चौड़ा है, तो आमाशय को हम थोड़ा ऐसा करके यहां से फैला देते हैं, ऐसे करके कर लेते हैं आमाशय, बोले ये हो गया आमाशय, ये तो ये आमाशय हो गया। अब ये आमाशय है, आमाशय के बाद में ये आई डियोडिनम, फिर जेजुनम और फिर इलियम, तीन। तो ये जो आंत है, छोटी आंत, छोटी आंत के तीन हिस्से कर लीजिए, छोटी आंत मान लेते हैं यहां तक है, तो यहां से लेकर के ये तो हो गया आहार नाल, ये हो गया आमाशय, और ये हो गया छोटी आंत। छोटी आंत के तीन भाग हैं, तीन भाग में पहला हो गया डियोडिनम, दूसरा हो गया जेजुनम, तीसरा हो गया इलियम। इलियम मतलब आई से इलियम। और अब ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी वाली आंत जो यहां से चालू हो रही है, और बड़ी वाली आंत जो चालू होगी
इस बड़ी वाली आंत में क्या आएगा, इलियोसीकल जंक्शन, फिर इलियोसीकल जंक्शन के बाद में असेंडिंग कोलोन, फिर ट्रांसवर्स कोलोन, फिर डिसेंडिंग कोलोन, और उसके बाद सिग्मोइड कोलोन, और सिग्मोइड कोलोन के बाद रेक्टम, और रेक्टम के बाद में ये एनस। ये पूरा होगा ये। अब इसको पूरे को हमने खींच के रखा हुआ है, खाना आप यहां से डालते हो तो एक तो द्वार यहां पर है, एक द्वार है ये, फिर एक द्वार यहां पर है आमाशय, जो एक द्वार तो ये हो गया और एक द्वार आमाशय से छोड़ते समय है, तो खाना यहां से जो आ रहा है यहां तक तो ये वाला द्वार तो खुलेगा ही, क्योंकि खाना आपने गले में भर दिया, यहां आहार नाल में भर दिया है। अब आहार नाल में खाना भर दिया तो ये वाला द्वार तो खुलना ही है, इसको बेचारा कहां इतने आहार नाल में फूड पाइप में कहां तक पड़ा रहेगा खाना, तो ये द्वार तो खुल जाता है। लेकिन खाना जैसे ही आमाशय में पहुंचता है, अब आमाशय के बाद खाना नीचे उतरेगा कि नहीं उतरेगा, ये पूरा डिपेंड करता है कि हमने खाने के साथ क्या किया है, हमने खाने में क्या खाया है, हमने खाने में कितनी मात्रा खा ली है, हमने खाने को कौन से समय पर खाया है, और हमने खाने का जो रूटीन था उसको कितने अच्छे तरीके से फॉलो करते हुए खाया है। अगर हमने सही तरीके से चबा करके खाना नहीं खाया है तो खाना यहां तो भर जाएगा और आमाशय में ही भरा रहेगा। अब आमाशय में ही अगर भरा रहेगा तो आमाशय में ही खराब भी होगा, क्योंकि भरा भरा अगर मान लो पचेगा नहीं तो सड़ेगा, सड़ेगा तो खराब होगा, और तो जब खराब होगा तो फिर आमाशय की दीवारों को खराब करने का काम करेगा। अब कहा जाता है कि अल्कोहल या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस या फिर एनएसएड्स, एनएसएड्स का मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ये दवाइयां अगर आप लेते हैं तो गैस्ट्राइटिस होती है। जरूरत ही नहीं है, आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं हो, आपने कोई एनएसएड्स नहीं लिया है, या आप बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर आपके आमाशय में खाना पड़ा पड़ा सड़ेगा डेफिनेटली गैस्ट्राइटिस हो जाएगी, और अगर गैस्ट्राइटिस हो जाएगी तो फिर गैस्ट्रिक इरोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर गैस्ट्राइटिस को समय पर ट्रीट नहीं किया जाता, और गैस्ट्रिक इरोजन के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, अल्सर में कन्वर्ट होने के चांसेस हो जाते हैं अगर इरोजिव गैस्ट्राइटिस को ट्रीट नहीं किया गया, और अगर गैस्ट्रिक अल्सर्स हो गए और उनको भी ट्रीट नहीं किया है और खाना वहां पड़ते पड़ते सड़ते सड़ते खराब होता जा रहा है, सेल में कैसे भी चेंजेस आना चालू हो सकते हैं, और इसीलिए गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट कभी कभी कह देते हैं कि इरोजिव गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक अल्सर जो है ये कभी भी कैंसर का कारण बन सकता है अगर प्रॉपर तरीके से फॉलोअप नहीं किया जाएगा। तो विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, आप एंट्रल गैस्ट्राइटिस के पेशेंट अगर हैं तो आपको डाइट का स्ट्रिक्ट फॉलोअप रखने की जरूरत है। अब बात मैं करूंगा वो कि एंट्रल गैस्ट्राइटिस है साहब जो आप बताते हैं हम तो वही खा रहे हैं, आप बताते हैं हम वो व्यायाम भी कर रहे हैं लेकिन आराम नहीं हो रहा है। मैं कई पेशेंट्स को ऐसे देखता हूं, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको 10 दिन में ही बहुत बढ़िया आराम हो गया, एंट्रल गैस्ट्राइटिस नहीं 10 गैस्ट्राइटिस के केसेस में 10 दिन में बहुत अच्छा आराम हो जाता है, लेकिन फॉलोअप जो है वो कहना कि हम कर रहे हैं और करना दोनों अलग अलग बातें हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने मन से तो कर रहे हैं, हम पेपर अपना तो लिख के आए हैं कि 100 में से 100 आएंगे, लेकिन 100 में से आए 33 ही, क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि हमने सही लिखा है लेकिन लिखा सारा गलत, तो गड़बड़ हो जाता है ना। तो ऐसे ही आप क्या कर रहे हैं और आप उसको कैसे कर रहे हैं, डाइट का स्ट्रिक्ट रेजिमेंट रहेगा, और यह भी अलग अलग पेशेंट्स के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं डाइट में, इसलिए कभी कभी हाइट, वेट, एज, स्ट्रेस ये सारे मैटर करते हैं, आपका जियोलॉजिकल एरिया क्या है, आप कहां रह रहे हैं, आपके घर में स्ट्रेस का माहौल कैसा है, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। इसलिए जो जनरल प्लान दिया जाता है, जो जनरल प्लान बताया जाता है, वो डेफिनेटली जनरल लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी समस्या ज्यादा है, आपकी समस्या ठीक नहीं हो पा रही है, आपने बहुत प्रयास किए हैं, तो फिर आपके लिए स्पेसिफिक प्लानिंग की आवश्यकता होगी। उसमें डाइट स्पेसिफिक रहेगी, हाउ टू ईट, व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, हाउ मच टू ईट, ये पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सरसाइजेस में कौन सी एक्सरसाइजेस आपके लिए बहुत जरूरी हैं, और उनका भी क्रम रहेगा कि पहले आप 15 दिन 20 दिन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके कौन सी एक्सरसाइजेस पर आपको जाना है। इरोजिव गैस्ट्राइटिस है, क्योंकि बाहर अगर कहीं कोई इरोजन होता है ना तो हम क्रीम पाउडर लगा करके उसको ठीक कर लेते हैं, लेकिन अब आमाशय में कौन क्रीम पाउडर लेके जाए,
और अमाशय में जो आप खा रहे हैं, अब मान लो स्ट्रेस वगैरह तो ठीक है, लेकिन जो आप एसिड भी ठीक है, एसिड अगर अंदर से रिलीज होकर के, हमने तो खाई मिर्च मसाले दिए, तो अगर मिर्च मसाले खाएंगे तो अगर जैसे कहीं घाव होता है तो हम उस घाव पर नमक मिर्च मसाले थोड़ी लगाते हैं, हम उस घाव को बचा बचा के रखते हैं, ना ना भैया इस पे पानी भी नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये घाव है, लेकिन अंदर हम मसाले डाल दे रहे हैं, अंदर हम कि भाई अभी 7 दिन से तो हमने कुछ नहीं खाया था लेकिन बहुत तेज भूख लग रही थी और कहीं खाना बना था बहुत बढ़िया स्वादिष्ट लग रहा था, देखने में बहुत रुचिकर भोजन था और हमने तो खा लिया, और हमने खा लिया, फिर रात भर उल्टियां हुई, फिर रात भर पेट में मरोड़ चली, फिर सवेरे से पेट में ऐंठन दर्द के साथ में दस्त लग रहे हैं, तो वो स्थिति आपको विशेष ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आप इस एंट्रल गैस्ट्राइटिस को 100% ठीक करना चाहते हैं, डेफिनेटली इस समस्या में पूरा आराम मिलता है, कंप्लीट रिलीफ ट्रीटमेंट हो जाता है, इसका आराम नहीं मैं कहूंगा कि कंप्लीट क्योर हो जाती है ये प्रॉब्लम, लेकिन आपको स्ट्रिक्ट फॉलोअप की आवश्यकता पड़ती है। आप अच्छे तरीके से फॉलोअप अगर कर सकते हैं तो प्लीज जो भी आपने एंडोस्कोपी कराई है, एंडोस्कोपी में जो भी रिपोर्ट में आपके आया है, अगर आपको ऐसा लगे कि आपको ट्रीट करना है इसको, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मैसेज या कमेंट बॉक्स में अपनी रिपोर्ट में इंप्रेशन जो आया है वो लिख करके भेज सकते हैं, आपको आपकी रिपोर्ट के अनुसार आपके लिए आपकी मदद की जा सकती है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।